सबसे पहली खामी हमें नज़र आती है कि जिन मूर्तियों को 1949 में जबरिया तौर पर फोर्सिबली इलीगली रखा गया, उसको डीटी कैसे माना जा सकता है। दूसरे की जगह पर मस्जिद थी उस वक्त मस्जिद में मूर्ति रखी गई तो वो गैर कानूनी था, सुप्रीम कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने माना, तो उसको हम डीटी कैसे मान लें, हिंदू लॉ के लिहाज से डीटी कैसे हो जाएगी, तो उसको ज़मीन कैसे दिया सकते, सबसे बुनियादी सवाल ये। फिर सुप्रीम कोर्ट में कब्ज़े के बारे में जो कहा गया है, तो ये मानने के बाद कि मीर बाकी के ज़माने में मस्जिद बनी, तो अब उसके बाद मस्जिद काहे के लिए बनती है, नमाज़ पढ़ने के लिए बनती है। कहाँ ये आया है कि मस्जिद में 200 साल 300 साल कुछ और हुआ नमाज नहीं हुई, कोई एविडेंस की नहीं, इसलिए उस ज़माने की एविडेंस हो नहीं सकती थी, ना उनके पास है ना हमारे पास है। जहाँ से एविडेंस शुरू हुई 1858 से, वहाँ से फिर मस्जिद आ गई, उसकी एविडेंस है, कोर्ट ने मानी। तो उसके बाद भी हम मुसलमानों को जो कंटिन्यूसली मस्जिद में रहे हैं उनको मस्जिद की ज़मीन न देकर दूसरे को दे दी गई। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के को दोबारा ये बातें बताना चाहते हैं, तो उसके बाद जो जजमेंट हो जाएगा। ये जो अंसारी जी कहते हैं बस तीसरा एक ही सवाल आपका, पिटीशन पे नहीं जाना चाहिए, हम इकबाल अंसारी की राय के पाबंद नहीं हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो उसमें उनसे ज़्यादा समझदार लोग हैं जिन्होंने फैसला किया।